फ्रांसीसी क्रांति के समय जब पूरे फ्रांस की राजनीति में हलचल मची हुई थी, तो वहीं इतिहास के सबसे महानतम विजेताओं में से एक बोनापार्ट अपने आप को तराश रहा था। छोटे कद का वह व्यक्ति अपने आप में फ्रांस के सुनहरे भविष्य को देख रहा था। विश्व इतिहास पर चल रही धेआईएस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। बोनापार्ट का जन्म 1769 को कॉर्सिका द्वीप पर हुआ था। उसके पिता चार्ल्स बोनापार्ट फ्रांस के एक कुलीन परिवार से ताल्लुक रखते थे। नेपोलियन ने अपनी शिक्षा सैनिक अकादमी में पूरी की और अपनी रुचि के कारण उसे तोपखाने से संबंधित ज्ञान में अपने आप को कुशल कर लिया। उसने फ्रांस की सेना में अपना करियर 1785 में शुरू किया, जब उसे फ्रांस की आर्टिलरी विभाग में सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। पहली बार 1793 में उसने अपने शौर्य व कौशल का प्रदर्शन टूलान के युद्ध में किया। यह युद्ध क्रांतिकारियों व राजभक्तों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण नेपोलियन को कैप्टन से पदोन्नत करके ब्रिगेडियर बना दिया गया। यह वह समय था जब इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। सन 1796 में फ्रांस की डायरेक्टरी ने फ्रेंच सेना को इटली की मदद के लिए भेजने का फैसला किया, ताकि इटली को ऑस्ट्रिया की दासता से बचाया जा सके। नेपोलियन को इस सेना का कमांडर बनाया गया। नेपोलियन ने अपनी कुशल रणनीतिक क्षमता व युद्ध कला से ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और इसी घटना ने उसे फ्रांस का हीरो बना दिया। इटली से लौटने पर नेपोलियन का फ्रांस में भव्य स्वागत हुआ। नेपोलियन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि स्वयं डायरेक्टरी भी उससे भयभीत होने लगी। इस युद्ध के कुछ समय बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई और 1799 में डायरेक्टरी ने राजनीतिक नियंत्रण खो दिया। मौका देखकर नेपोलियन ने डायरेक्टरी की सत्ता हथिया ली और उसे भंग कर दिया तथा उसकी जगह तीन काउंसिल बनाई। इन तीनों काउंसिल में से एक नेपोलियन था। इन काउंसिल के साथ ही उसने फ्रांस में एक नया संविधान बनाया और उस संविधान को जनता के समक्ष जनमत संग्रह के लिए भेजा। चूंकि नेपोलियन की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि जनता ने संविधान को मंजूरी दे दी। नेपोलियन की बढ़ती शक्ति को देखते हुए बाकी देश सतर्क हो रहे थे। इन देशों में ब्रिटेन, रूस तथा ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को सत्ता से हटाने का प्लान बनाया। 1802 में नेपोलियन और इन देशों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन सब ने आपस में मिलकर शांति समझौता कर लिया और किसी की हार या जीत नहीं हुई। इस संधि को एमियंस की संधि कहा जाता है। इस युद्ध के बाद नेपोलियन ने फ्रांस में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी। उसका उद्देश्य फ्रांस को एक स्थिर, मजबूत व स्थायी शासन प्रदान करना था। उसने एक के बाद एक कई सुधार फ्रांस में किए। आर्थिक सुधारों में उसने फ्रांस को जर्जर आर्थिक व्यवस्था से उबारने के लिए प्रयास किए। इस क्रम में उसने सबसे पहले कर प्रणाली को मजबूत किया। उसने कर वसूलने का कार्य सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के जिम्मे किया तथा घूसखोरी, सट्टेबाजी व ठेकेदारी के अनुचित मुनाफे पर रोक लगा दी। उसने फ्रांस में सड़कें व नहरें बनवाई तथा एक राष्ट्रीय बैंक की भी स्थापना की, जो लोगों को लोन भी प्रदान करती थी। शिक्षा संबंधी सुधारों में उसने राष्ट्रवाद पर बल देना शुरू किया तथा शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। नेपोलियन ऐसे नागरिक चाहता था जो उसके व उसके बनाए हुए तंत्र पर विश्वास रखें।
प्रशासनिक सुधारों में नेपोलियन ने घूसखोरी को कम किया तथा शासन का केंद्रीयकरण किया और डिपार्टमेंट तथा डिस्ट्रिक्ट की सरकारों को समाप्त कर दिया। वास्तव में ये सुधार दरअसल क्रांति विरोधी थे, क्योंकि क्रांति के दौरान नेशनल असेंबली ने प्रशासन का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था और नेपोलियन अब फिर से सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण कर रहा था। धार्मिक सुधारों में उसका उद्देश्य था धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाना। पोप, जो कि राज्य से नाराज था तथा जनता को क्रांति के लिए उकसाता था, नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया जिसे कॉनकॉर्डेट का समझौता कहा जाता है। इस समझौते में उसने कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया और गिरफ्तार पादरियों को छोड़ दिया गया। इन सब के अलावा नेपोलियन का अब तक का सबसे महान सुधार था नेपोलियन कोड। दरअसल क्रांति से पहले फ्रांस में राजा के नियम कानून चलते थे और इसे दूर करने के लिए नेपोलियन ने कानून व्यवस्था को एक सही, सटीक व व्यवस्थित रूप दिया। इस कोड के तहत सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, बिजनेस कोड आदि प्रमुख थे। इन कानूनों में सभी नागरिकों को समान रूप से देखा गया था। स्वयं नेपोलियन इन कोड्स को अपने द्वारा लड़े गए युद्धों से भी ज्यादा शक्तिशाली मानता था। इस तरह नेपोलियन ने अपने सुधारों की वजह से अव्यवस्थित फ्रांस को व्यवस्थित किया तथा राजनैतिक व्यवस्था को और मजबूत किया। ये तो थी नेपोलियन के फ्रांस पर अपनी पकड़ मजबूत करने वाली बातें। अब नेपोलियन कैसे फ्रांस का राजा बन गया तथा कैसे उसने पूरे यूरोप में तबाही मचा दी तथा क्यों उसे इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में गिना जाता है, इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे।